हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आर्यन ब्लॉग विद नेचर लवर्स। देखिए, ये मैं आइस प्लांट लेके आई हूँ और ये मतलब रात को जो होता है, इस प्लांट की खासियत होती है इसके बर्फ़ जैसे पत्ते होते हैं और ऐसा लगता है जैसे आइस पड़ी होगी पौधे में। ये देखिए, ये जो लग रहा है ना, और इसमें कई सारे सीड स्पॉट भी बन रहे हैं। तो ये मुझे सिर्फ 10 रुपये का मिला है फ्रेंड, और आप यकीन नहीं मानेंगे। देखिए, इसमें एक ये अलग कलर खिल रहा है फ्लावर्स, तो एक सीड्स गिर गया होगा तो ये अलग से ये खिल रहा है, तो ये नया मिला है। तो इसमें यानी कि 2 सीड्स पॉट गिरे होंगे, तो उन्होंने सीड से ग्रो करा है और अभी ये काफ़ी टाइम तक, उन्होंने कहा ये चलेगा आपका मई तक ये पौधा। और मुझे तो खैर नहीं लगता क्योंकि इसमें काफ़ी सारे सीड्स पॉट बन रहे हैं, तो मैंने तो इसलिए खरीद कर लिया क्योंकि ये डिफरेंट कलर है तो, और मेरे पास था भी नहीं, तो मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं 2 सीड पॉट मुझे मिल जाएंगे इसमें भी, तो नेक्स्ट ईयर फिर हम ग्रो करेंगे इससे सीड से। तो अभी देखिए, ये बहुत अच्छा कलर लगा मुझे बेबी पिंक, और 10 रुपये में कोई बुरा नहीं है फ्रेंड, तो बहुत अच्छा हेल्दी प्लांट मिला है मुझे। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। तो मुझे व्यूअर्स से बहुत कंप्लेन है क्योंकि व्यूअर्स ना देखते तो हैं वीडियोस को, पर सब्सक्राइबर मेरे ना बढ़ ही नहीं रहे, पता नहीं क्यों, मेरे 35 से ऊपर ही नहीं जा रहे सब्सक्राइबर। तो शायद से मैं एडिटिंग वगैरह नहीं करती हूँ और मुझे शायद से कुछ कमियाँ कहीं रह रही है मेरी वीडियो में, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि अगर थोड़ा सा भी 1% मेरी वीडियो अच्छी लगती है आपको तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। ये सीड पॉट इसमें देखिए ऐसे बनता है, ये भी पूरा ये कच्चा है बट मैंने आपको दिखाने के लिए तोड़ लिया है। तो इसके अंदर जो है ना सीड्स बनेंगे, जब ये सूख जाएगा तो हमें इसे निकाल लेना है, और फिर देखिए इसके अंदर सीड्स रहते हैं, तो दिख रहा होगा। तो ये बंद हो गया है, ये सीड्स बन रहा था, तो ऐसे इसमें कई सारे हैं बने हुए, तो जो कि सूखने के बाद हमें ड्राई होने के बाद पूरा जब सूख जाए साल तब हमें तोड़ना है।